아니, 많이 맞던다, 얘가. 이거 다니면 버스 되나 봐, 힘들대? नमस्कार सभी भाई लोगों को। मैं तो मैं कह रहा था आज कौन कौन से सांप हैं आपके पास? हमारे पास आप सभी वैरायटी लगभग हैं। इसमें 3 अजगर हैं, 2 धामन हैं, 4 कोबरा हैं। अच्छा, कौन कौन से गांव से पकड़ के लाए हैं आज ये सब? हम यही लोकल, जैसे काशीपुर हो गया अपना, पिरमला हो गया, हिम्मतपुर हो गया, या अपना नरसिंहपुर वगैरह हो गया, बसई हो गया, ऐसे ही होते पकड़। अच्छा, किसी सांप ने किसी को किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, अभी तक किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो पहले हमें सूचना दे देते हैं और आप तुरंत पहुंच जाते हैं। हम तुरंत पहुंच जाते हैं। दिखाइए फिर दोस्तों, बने रहे। चलो, ये बहुत सीधा सांप होता है और ये किसानों का मित्र है। ये जहरीला सांप बिल्कुल नहीं है और कहीं भी ये चूहे खाने वगैरह के चक्कर में घरों में आ जाते हैं। कि किसी भाई लोगों को भी कहीं सांप या सर्प काटे तो आप तुरंत हमारे वन विभाग नज़दीकी जो वन विभाग है वहाँ आप सूचना दें। और हमारे वन विभाग में इसका क्या है, एंटी वेनम वन विभाग में दे दिया गया है और सभी हमारे रेस्क्यू वालों से कहा गया है कि आप कहीं भी सांप गाँव में अगर काटे तो आप उनको एंटी वेनम के लिए सूचना दें और वन विभाग से सूचना वो ले सकते हैं एंटी वेनम। कभी कोई दिक्कत किसी को आती है तो हो गया। ये बड़े सांप होते हैं, बड़े आकार में हो जाते हैं और ये जहरीले ये भी नहीं होते हैं। हमारा सभी से कहना है आप ये भी जहरीला नहीं होता है। ये बड़े अजगर हैं। ये आपको अभी मैंने वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी कि उन्होंने लगभग 25-30 मुर्गियाँ इस सांप ने मार दी थी। हाँ, इस सांप ने 25-30 मुर्गियाँ मार दी थी। ये काशीपुर फार्म से पकड़ा था मैंने, सोना फार्म वालों का फार्म है। खाली मार के खा दी है? नहीं, खा नहीं, खाई नहीं ने। मार इसकी तैसे ही मर जाती हैं, ऐसा ना उनको पता है कि हाँ ये हमारी मौत है। ये तीनों अजगर हैं, 2 अजगर मैंने उसी फार्म से पकड़े हुए हैं जिसमें एक की चोट लगी थी, वो ठीक हो चुकी है। और एक अजगर ये मैंने कहीं और से पकड़ा था, लगभग एक ही साइज़ के अजगर हैं बड़े। और इन्हें हम पानी के करीब इसलिए छोड़ने, देख सकते हो पानी चल रहा है, ये नदी का किनारा, इन्हें चाहिए पानी। इन सांपों के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये सांप आकार में बड़े होते हैं मगर जहरीले नहीं होते हैं। और ये पानी में तुरंत भागेगा। ये देखो, ये देखो, ये तो पानी में बहुत खुश रहना पसंद करता है। आपको दिखा रहे हैं कि ये भी अजगर ही है बड़ा। आप अजगरों को रिलेट करते हैं? देख सकते हो लगभग ये एक ही उम्र के लगभग सांप है तीनों। इसको भी जंगलों में ज़्यादातर पानी में देख सकते हो। बहुत ही प्यारे सांप और जहरीले बिल्कुल नहीं होते। ये कहाँ से पकड़ा? ये हमने काशीपुर सोना फार्म वालों के यहाँ से, चांदपुर, चांदपुर फार्म। वेट कितना होगा लगभग? वेट करके लगभग 15-20 किलो है। हाँ, इसको भी पानी में छोड़ दें क्योंकि अंधेरा हो रहा है, समय बहुत हो रहा है, जंगल में हम लोग हैं और यहाँ टाइगर की सूचना है ही वैसे भी। ये देखो, ये भी देखो पानी। इन्हें तो पानी चाहिए इन सांपों को। आइए आपको दिखाते हैं, तीसरा भी अजगर है। तो हमने 2 अजगर यहाँ छोड़ दिए हैं और एक तीसरा भी अजगर है जिनने 25 मुर्गियाँ मारी थी, वो सांप ये आता है मेरे हाथ में दोबारा से। इस पर लोगों ने थोड़ी चोट उट मार दी थी इसको, मगर क्या है इस पर घाव हो गया था, मैंने दवाई वगैरह इस पर लगाई है। परसों मैंने इसकी वीडियो बनाई थी दवाई लगाते हुए। अच्छा। तो इसकी हमने वीडियो ले ली थी थोड़ी सी और ये ठीक है अब। और ये पानी में रहेगा तो इस पर चेटी वगैरह नहीं लगती, कोई नुकसान नहीं है। ये पूंछ छिल गई है थोड़ी सी, चोट नहीं लगी। आप अजगर इसको भी हम पानी में रिलीज कर रहे हैं क्योंकि पानी में रहेगा तो इसमें चेटी नहीं लगेगी। ये देखिए साहब, हम अभी जंगलों में आए और टाइगर के पंजे आप देख सकते हो। दिखाओ ये करीबी से, देखो कितना बड़ा टाइगर।
हम ऐसी खतरे की जगह, देखो सांप थोड़े आते, देखो ये पूरा पैर है टाइगर का और ये उसका रास्ता है आने का इधर से। ये शाम के टाइम में वो टाइगर इधर को आता ही है लगभग। देख सकते हो कितने खतरनाक बड़े पंजे हैं इसके। देखिए कैमरा लाइए, इधर को दिखाइए, ये दिखाओ, इधर खड़े होके ये देख सकते हो। एक पंजा ये है, एक पंजा ये है, एक पंजा ये है, एक ये है यहाँ टाइगर। क्योंकि यहाँ हमारे जान को भी खतरा है, असल में हम जंगलों में आते हैं सांप छोड़ने के लिए, और पकड़ते समय भी हमें खतरा और छोड़ते समय भी हमें खतरा। पकड़ते समय हमें सांपों का खतरा होता है और छोड़ते समय हमें टाइगरों का खतरा होता है कि टाइगर हमें कहाँ से दिख रहा है पता नहीं। आइए जल्दी से हम सांप का टाइम हो रहा है और सांप भी छोड़ते हैं। हमें ये स्पेक्टिकल कोबरा जो जहरीला सांप है, पुराना बड़ा कोबरा, देख रहे हो कैसे हमला कर रहा है एकदम। दोबारा बोरी में बैठ गया, चलिए इसको बैठा रहने देते हैं। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो तुरंत हमला कर देते हैं, उन सांपों से हमें भी बहुत बच के रहना होता है। आप देखिए सकते हो इस कोबरा ने कितनी जल्दी हमला किया हमारे ऊपर। हाँ थोड़ा हटो, ये थोड़ा हमला कर रहा है ना, ज्यादा ऐसे करवा नहीं। हाँ ये थोड़ा हमला कर रहा है, खतरनाक सांप है, पुराना सांप है ये, बहुत ही खतरनाक। और हमारा सभी से कहना रहता है कि इन सांपों से हमेशा सावधान रहा करें, ये सांप जहरीले होते हैं बहुत ज्यादा। चलिए इसको छोड़ देते हैं जान। ये भी जहरीला कोबरा है, बच्चा नहीं है, बड़ा सांप है, ये भी उसी प्रजाति का सांप है कोबरा। कैसे उतार रहा है ये भी, ये देखो पानी में, तो इसे पानी भी पी लेगा और है भी लेगा। तो ये भी उसी प्रकार का स्पेक्टिकल कोबरा है, खतरनाक। देखो छोटा सा है मगर खतरनाक है, और जहर ऐसा नहीं है कि छोटे में और बड़े में अलग अलग होता है, सब में बराबर होता है। हम सभी भाई लोग से कहते हैं कि सांप का जहर सब में बराबर है, तो ये ना सोचे कि छोटा है तो इसमें जहर कम है। जितने भी ये खाने वाले सांप हैं स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं इनको, और ये जहरीले सांप है। देख सकते हो ये खुर का निशान होता है, पुराने बड़े बड़े हमारे कहते हैं कि गाय का खुर बना हुआ होता है, मगर असल में क्या है, कहीं खाना फलाए हुए बैठा तो पीछे से कोई हमला ना करे तो इसकी आँखें हैं वो समझ लो, उसे डराने के लिए, उस जानवर को डराने के लिए इस पर हमला करता है। उसे लगता है कि मेरे को देख रहा है, ये इसलिए इस पर इंसान दिया गया, कुदरती है, हमारे हाथ का नहीं है। चलिए